मतलब यार हम इंडिया से इतनी दूर बहन तो जहाँ कोई हमें जानता नहीं पहचानता नहीं है ना। आपका अगर दिल खुश होता है ना तो मेरी आईडी पे आके लिखो गाली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आखिरकार निशांत वंशल ने किन लोगों को बोला कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चाहे तो मेरे को गाली बकलो लेकिन मनोज भाई को नहीं। लेकिन दोस्तों इससे पहले एम प्रो क्लासिक के लिए अपने आईएफबीबी प्रो मनोज पाटिल और सुपर सैम के एक लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ अली विलाल को लेकर जो एम प्रो क्लासिक से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं अपने दोनों ही आईएफबीबी प्रो एथलीट्स के बारे में जिनको की मिल चुके हैं अपने ट्रंक नंबर। दोस्तों अपने निशांत वंशल भाई को 32 ट्रंक नंबर और मनोज पाटिल भाई को 52 ट्रंक नंबर मिला है। और दोस्तों एम प्रो क्लासिक से जो एक और खतरनाक अपडेट आ रहा है तो मैं आप सभी को बता दूं कि अली बिलाल जिन्होंने कि दोस्तों सेरू क्लासिक इटली में ओलंपिया के लिए क्वालिफाई किया था उन वाले बॉडी बिल्डर ने भी एम प्रो क्लासिक में कम्पीट करने की अनाउंसमेंट कर दी है। और दोस्तों जो उनका ट्रंक नंबर है वो है 41। और दोस्तों अब मेरे को ऐसा लगता है कि एम प्रो क्लासिक पर काफी ज्यादा हार्ड हो चुकी है। क्या अली बिलाल एक बार फिर से प्रो शो जीतेंगे या फिर दोस्तों अपने जो निशांत वंशल भाई और मनोज पाटिल भाई हैं वो अपनी सेरू क्लासिक इटली का रिवेंज लेंगे और हम सभी को चौंका देंगे अपने परफॉर्मेंस से। अब दोस्तों हम कंप्लीट तरीके से जान लेते हैं कि मनोज पाटिल के साथ जो इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर निशांत वंशल ने उनके सभी हेटर्स को क्या जवाब दिया। इंसिडेंट मनोज भाई के साथ हुआ बट मुझे बहुत दुख लगा भाई। एक मिनट दिखाना, दिखाओ जो मैंने बोला था आपको। दिखाओ क्या लिखा हुआ है। जहां कोई हमें जानता नहीं पहचानता नहीं है ना। 15 घंटे मैं लेटा रहा, 7-8 घंटे भाई लेटे रहे यहाँ पे, हमें रूम नहीं मिला, हम इतने ज्यादा परेशान थे। बट ये लोग कौन है भाई, कहाँ से आते तुम लोग, इतना जिगरा कैसे तुम लोगों का कि यार आप लोग सीधा के गाली दे रहे हो वो भी बिना बात के। यार आप लोग घर में रहते हो, इंडिया में रहते हो, आप लोग ये सोचो मतलब आज हम इम्प्रो के उस पे गए इतने बड़े वेन्यू पे, जब नाम अनाउंस हुआ ना निशान बंसल फ्रॉम इंडिया, मनोज पाटिल फ्रॉम इंडिया, हम सिर्फ दो लोग थे और एवरीबॉडी नो एवरी प्रो, सब बंदे जान रहे थे हमें। यार एक बंदा दे रहा, हम सिर्फ दो थे फ्रॉम इंडिया, वी आर जस्ट टू पीपल, और आप लोग गाली दे रहे हो। हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? अपने लिए तो चलो आए हैं, अपनी कंट्री के लिए आए हैं ताकि बाहर हर एक स्पोर्ट्स में इंडिया का नाम आता है, कि बॉडी बिल्डिंग को। आपका अगर दिल खुश होता है ना तो मेरी आईडी पे आके लिखो गाली। यार गाली देने का कोई मतलब नहीं है, गाली देने का क्या मतलब है एक्चुअली? क्या होता है मैं बोल रहा हूं, क्या एक्चुअली मान लो क्या, अभी अपन प्रेप में है ठीक है। आप यार 4 और 4 8 स्टोरियां बन गई, मैं बोलता रहूंगा, मेरा मैं इतना भरा पड़ा हूं ना, इतना ज्यादा भरा पड़ा हूं ना कि मैं बोलता रहूंगा, मैं बोलना नहीं चाहता। समझ जाओ यार, समझ जाओ। हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करता हूँ कि मत करो कुछ लिखना अच्छा। तो दोस्तों एट दी एंड आज की इस वीडियो को लेकर आप सभी को क्या कहना है, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ के साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को और प्रेस जरूर कर दें जिससे कि हमारी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके।